नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज का डीएनए बहुत खास है क्योंकि आज लड़ाई पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के बीच है। आज ये तय होगा कि मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले नेताओं की निष्पक्षता कौन तय करेगा। हम आपसे हमेशा कहते हैं, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की रोशनी के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी का झूठ भी टिक नहीं पाएगा और कांग्रेस की पाकिस्तान जिंदाबाद वाली टीम पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, और वहां पर एक सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जी न्यूज ने जब यह खबर दिखाई तो कांग्रेस पार्टी और उसके भक्त पत्रकारों को बहुत तकलीफ हुई, और फिर इन लोगों ने इस खबर को दबाने के लिए जी न्यूज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक झूठा अभियान चलाना शुरू कर दिया। सिद्धू और कुछ पत्रकारों ने यह झूठ फैलाया कि जी न्यूज ने एक फर्जी वीडियो दिखाया है, सिद्धू की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ही नहीं। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जी न्यूज पर मानहानि का ऐसा केस करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। सिद्धू बातें बनाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने देखते ही देखते झूठ के ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े कर दिए और देश की जनता को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। इसलिए आज हमने यह फैसला किया कि हम पूरे देश को कांग्रेस के पाकिस्तान जिंदाबाद का सच बताएंगे। हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम चुपचाप कांग्रेस की धमकियों को सुनते रहते, और दूसरा विकल्प ये था कि हम देश की जनता के पास जाएं, आपके पास जाएं और आपको सच बताएं। नवजोत सिंह सिद्धू की अलवर वाली रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए आज हम आपको एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग वीडियोज़ दिखाएंगे। एक वीडियो डॉक्टर्ड हो सकता है, दूसरा वीडियो नकली हो सकता है, तीसरा वीडियो फेक हो सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए इतने सारे वीडियोस नकली नहीं हो सकते। अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो आज पाकिस्तान जिंदाबाद वाली टीम हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली टीम से हार जाएगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। सिद्धू के सारे चाहने वाले पाकिस्तान में होंगे, हो सकता है पाकिस्तान में उनका समर्थन जबरदस्त हो, लेकिन यह हिंदुस्तान है, यहां यह नहीं चलेगा। हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में निष्पक्षता बहुत जरूरी है और इस निष्पक्षता के लिए हमारे नेताओं को भी निष्पक्ष होना चाहिए, सरकारों को निष्पक्ष होना चाहिए और मीडिया को भी निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो निष्पक्षता की पूरी उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। वो अपनी सुविधा के अनुसार पक्षपात करते हैं। उनकी निष्पक्षता का मापदंड यह है कि जो पत्रकार तारीफ करे, जो न्यूज चैनल और अखबार तारीफ करे, वो निष्पक्ष है, और जो तारीफ ना करे वो झूठ फैला रहा है। यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज किसी पार्टी के साथ नहीं है। जी न्यूज ना तो बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना किसी और पार्टी के साथ है। जी न्यूज भारत के साथ है, आपके साथ है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है और देश के प्रति है। हमें लगता है कि सत्य को सामने रखने के लिए टीवी की स्क्रीन को काला करने की जरूरत नहीं होती, सच दिखाने के लिए अंधेरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम पूरे उजाले में इस मामले का संपूर्ण सत्य आज आप सबके सामने रखेंगे। आज हम आपकी टीवी स्क्रीन को सत्य की रोशनी और सबूतों से भर देंगे। वैसे एक सवाल यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाकर इमरान खान और उनकी टीम की जय जयकार करके आए हैं, ऐसे में अब उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इतने चुभ क्यों रहे हैं? अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से सिद्धू को इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो खुद भी तो यही नारे सुनना चाहते थे, खुद भी तो यही चाहते थे। इसके अलावा आज हम मीडिया के उस वर्ग को भी एक्सपोज करेंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीड़ की हिंसा के शिकार पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ एटा जिले के तरीगमा गांव में इंस्पेक्टर सुबोध का अंतिम संस्कार किया गया। उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई, उनको मारने वालों के लिए मार के रख दो तो न्याय है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज अभी तक फरार है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मामले में कुल 27 आरोपी हैं। 27 नामजदगी में
अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्याप्त वीडियो फुटेज है और जो भी वहाँ पे लोगों की ओरल टेस्टिमनी है उसके आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। बुलंदशहर की हिंसा में मारे गए युवक सुमित के परिवार को यूपी सरकार ने 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सोमवार सुबह गो हत्या के शक को लेकर 3 गांव के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई जिसमें गोली लगने से इंस्पेक्टर सुबोध और 20 साल के सुमित की मौत हो गई। बुलंदशहर में हिंसा को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के मुताबिक योगी सरकार की गलत नीतियों की वजह से यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की नसीहत दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ये तेलंगाना आना छोड़े, 10 जगह जाना छोड़े, अपने घर की हिफाजत करिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपके पास खराब हो चुका है। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हिंसा के लिए वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल को जिम्मेदार बताया। ये प्लानिंग के तहत ऐसी योजना बनी जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई और ये हिंदू की दुहाई देते हैं, हिंदू के नाम पे हिंदू की हत्या करते हैं। दूसरी तरफ बुलंदशहर के बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा है धार्मिक कार्यक्रम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई। जो हुआ है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश अपनी पार्टी और सरकार को बदनाम करने के मतलब हुआ। जब से इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ आसपास के जितने भी गांव हैं हर गांव से करीब करीब हर गांव से लोग पास से कैद ले गए उनके पशुओं की चोरी हुई। राजस्थान की चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। हनुमानगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस ने कई गलतियां की जिसकी वजह से आज करतारपुर भारत का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस वालों ने ऐसी गलतियां की है, विभाजन हुआ लेकिन उसमें भी जो गलतियां हुई और उसी का नतीजा है करतारपुर साहब वो पाकिस्तान में चला गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में करतारपुर साहिब पर ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस की हर बड़ी गलती को ठीक करना मेरे नसीब में आया। ये गुरु परंपरा के आशीर्वाद है कि मेरे हाथ से पवित्र काम आया और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का निर्णय कर दिया। वो जो जो बुरा करके गए उसको ठीक करना मेरे नसीब में ही आया है। राजस्थान के अलवर में नवजोत सिंह सिद्धू की चुनावी सभा में लगे देश विरोधी नारे के मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी के चुनाव संपर्क विभाग ने पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में शिकायत की। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धू के सामने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे लेकिन उन्होंने नारेबाजी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसी सभा में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं वहां पे मौजूद रहना और उसको रोकने का प्रयास नहीं करना, इससे ये प्रतीत होता है कि आपको इन नारों को समर्थन है। उसकी आपने आज विधिवत शिकायत की है और जो चैनल्स पे चली है उसकी पेन ड्राइव चुनाव आयोग को उपलब्ध कराइए। जैसा हमने आपको कहा आज का डीएनए बहुत खास है। आज सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता नवजोत सिंह सिद्धू के झूठ का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको आज बताएंगे कि झूठ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कैसे चलती हैं, दुष्प्रचार कैसे होता है, किसी खबर को कैसे दबाया जाता है। हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में निष्पक्षता बहुत जरूरी है और इस निष्पक्षता के लिए हमारे नेताओं को भी निष्पक्ष होना ही चाहिए। सरकारों को निष्पक्ष होना चाहिए और मीडिया को भी निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। वो अपनी सुविधा के अनुसार पक्षपात करते हैं। उनकी निष्पक्षता का मापदंड ये है कि जो पत्रकार, जो न्यूज़ चैनल, जो अखबार उनकी तारीफ करे वो निष्पक्ष है और जो उनकी तारीफ ना करे, जो सच बोल दे उसे वो कहते हैं कि ये झूठ फैला रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू राजस्थान के अलवर जिले में एक चुनावी रैली कर रहे थे और वहां पर एक सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जी न्यूज ने जब ये खबर दिखाई तो कांग्रेस पार्टी और उसके भक्त पत्रकारों को, कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को बहुत तकलीफ होने लगी और फिर इन लोगों ने मिलकर सोशल मीडिया पर जी न्यूज के खिलाफ एक झूठा अभियान चलाना शुरू कर दिया। सिद्धू और उनकी टीम के पत्रकारों ने ये झूठ फैलाया कि जी न्यूज ने गलत खबर दिखाई है, ये जो वीडियो दिखाया गया है ये झूठ है, ये गलत है, फेक है, ये
डॉक्टर्ड है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती थी चुनाव का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के किसी सभा में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और ये वीडियो वायरल हो गया, ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई, तो चुनाव में बहुत नुकसान होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज़ पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो मानहानि का ऐसा केस करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। सिद्धू बातें बनाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, सारा देश जानता है। उन्होंने देखते ही देखते झूठ के बड़े बड़े पर्वत खड़े कर दिए और तब हमने ये फैसला किया कि हम शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम पूरे देश को कांग्रेस के इस पाकिस्तान जिंदाबाद का सच जरूर बताएंगे। हमने कल से लेकर अब तक अलवर में हुई नवजोत सिंह सिद्धू की चुनावी सभा का संपूर्ण विश्लेषण किया है। हम इस मामले की तह तक पहुंच चुके हैं, इसका बहुत विश्लेषण किया है, बहुत खोजबीन की है, बहुत जांच की है, क्योंकि मामला हमसे भी जुड़ा हुआ है और हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। आपके सामने, करोड़ों लोगों के सामने यहाँ खड़े होकर झूठ नहीं कहेंगे, सच ही कहेंगे। पूरी जांच पड़ताल के बाद हम एक बार फिर आपसे आज यही कहेंगे पूरे विश्वास के साथ कि जो वीडियो जी न्यूज़ ने आप सबको दिखाया था वो पूरी तरह से शत प्रतिशत सही है। नवजोत सिंह सिद्धू की अलवर वाली रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और ज़रूर लगे थे, और इस बात की पुष्टि करने के लिए आज हम आपको एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग वीडियोस दिखाएंगे। एक वीडियो नकली हो सकता है, दूसरा वीडियो भी डॉक्टर्ड हो सकता है, तीसरा वीडियो भी फेक हो सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 7 वीडियोस, और ये 7 वीडियो उन लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं जो वहाँ खुद स्वयं मौजूद थे, ये वीडियोस झूठ नहीं कहेंगे। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी का ये झूठ पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात ज़रूर साफ कर देना चाहते हैं, जी न्यूज़ किसी पार्टी के साथ नहीं है। जी न्यूज़ की दुश्मनी ना तो कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना हमारा समर्थन कांग्रेस को है, ना बीजेपी को है, ना किसी और पार्टी को है। जी न्यूज़ भारत के साथ है, जी न्यूज़ आपके साथ है। भारत में 2 तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो ये समझता है कि भारत का इतिहास सिर्फ 71 साल पुराना है और भारत की सभ्यता सिर्फ 71 साल पुरानी है, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो ये मानते हैं कि भारत की सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। एक तरह से ये भारत के 2 वैचारिक वर्ग हैं और इन्हीं वर्गों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। हमारा मानना है भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, उसे 71 वर्षों में सीमित नहीं किया जा सकता। भारत में मौजूद कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैतिकता क्या है और भारत के सच्चे आदर्श क्या है। ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग जय पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगा सकते हैं, ये मारकाट करवा सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, दंगे भी करवा सकते हैं। देश का बंटवारा जब हुआ था तब भी क्या मंशा रही होगी, आप सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के रास्ते में हम जैसे लोग और हम जैसे चैनल आ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो झूठ के बड़े बड़े चैंपियंस के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है दुष्प्रचार का रास्ता। हर बार एक ही फॉर्मूला होता है इनके पास, हर बार इसी तरह का झूठा अभियान चलाकर झूठ फैलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास झूठ बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जी न्यूज़ पर गलत आरोप लगाए जाते हैं ताकि हम लोग डर जाएं, हम लोग आपके सामने ना निकल कर आ सकें, लेकिन जी न्यूज़ हमेशा हर बार की तरह सत्य पर अड़िग रहता है और इसीलिए हर बार सत्य की ही विजय भी होती है, क्योंकि हमारे साथ आप होते हैं। आपको याद होगा पिछली बार JNU में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में भी इसी तरह दुष्प्रचार किया गया था, तब भी JNU में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और जी न्यूज़ के वीडियो को डॉक्टर्ड बता दिया गया था, कह दिया गया था ये फेक न्यूज़ है, जी न्यूज़ ने इस वीडियो को एडिट किया है। लेकिन बाद में जब CFSL की जांच हुई, जब लैब में उसकी जांच की गई, तो जी न्यूज़ का वो वीडियो 100% सही साबित हुआ था, यानी तब भी सत्य की जीत हुई थी और इस बार भी सत्य की ही जीत होगी, ये हमारा आपको पूरा आश्वासन है। सत्य को सामने रखने के लिए TV की स्क्रीन को काली करने की जरूरत नहीं होती, सत्य अंधेरे में नहीं रहता, सत्य दिखाने के लिए अंधेरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम पूरे उजाले में इस मामले का संपूर्ण सत्य आज आपके सामने रखेंगे। आज हम आपकी TV स्क्रीन को सत्य की रोशनी और सबूतों से भर देंगे। हम अपने करोड़ों दर्शकों के प्रति सच्चे हैं और वफादार हैं,
हम आपके प्रति जवाबदेह हैं और देश के प्रति सच्चे हैं। इसके अलावा हमें किसी और से किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसलिए अब हम सारे तथ्य एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के पाकिस्तान जिंदाबाद के जवाब में ये जी न्यूज का हिंदुस्तान जिंदाबाद है। तो अब हम एक एक करके सारे सबूत आपके सामने रखेंगे। आप ध्यान से आज डीएनए देखिएगा, थोड़ी देर ध्यान लगाकर जी न्यूज देखिएगा। सबसे पहले आपको नवजोत सिंह सिद्धू की चुनावी सभा का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ये वो वीडियो है जिस पर कांग्रेस पार्टी को और नवजोत सिंह सिद्धू को आपत्ति है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, लेकिन अब वो पूरा वीडियो आप देखिए और खुद तय कीजिए। बहनों भाइयों, अब जो कुछ बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा, अब बाहर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। इस वीडियो में आपने साफ तौर पर सुना कि नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के बीच में भीड़ में से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भीड़ का एक वर्ग था जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और जैसे ही जी न्यूज ने इस खबर को प्रसारित किया, इस वीडियो को प्रसारित किया, तुरंत सोशल मीडिया पर जी न्यूज के खिलाफ एक अभियान चलना शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ भक्त पत्रकारों ने यह ट्वीट करना शुरू कर दिया कि जी न्यूज ने एक फेक वीडियो दिखाया है, जिसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जी न्यूज ने डॉक्टर्ड वीडियो का प्रसारण किया है। इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धू की इसी रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये कहा कि वीडियो में सत श्री अकाल का नारा लगा था। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं वो असली वीडियो है और जो जी न्यूज ने वीडियो चलाया था वो नकली डॉक्टर्ड वीडियो है। ये बात पूरी तरह से सच है कि इसी रैली में सत श्री अकाल का नारा भी लगा था, लेकिन रणदीप सुरजेवाला से यहां एक गलती हो गई। सुरजेवाला साहब ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया वो इस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद का वीडियो है, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उससे पहले ही लग चुका था, लेकिन उन्होंने वहां से वीडियो को नहीं उठाया। जब नारा समाप्त हो चुका था वहां से वीडियो को लिया। अब हम आपको रणदीप सुरजेवाला का वीडियो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला वीडियो एक साथ दिखाएंगे। आप ध्यान से सुनिए और फिर खुद तय कीजिए, अंदाजा लगाइए कि सुरजेवाला साहब ने वीडियो एडिट करके क्यों पोस्ट किया। बहनों भाइयों, अब जो कुछ बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा, अब बाहर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। राफेल प्लेन तुम फ्रांस से लेके आए, बुलेट ट्रेन तुम जापान से लेके आए, सरदार पटेल का बुत तुम चीन से लेके आए, तो यहां वाले क्या बनाएंगे? पकौड़े बनाएंगे मोदी जी। ठोको ताली, टिका के ठोको, टिका के ठोको। भाइयों बहनों, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नौरानी चेहरा टिका के दी, अजीत पैसे दी पंप निकलेगा। बहनों भाइयों, अब जो कुछ बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा, अब बाहर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस ने कैसे नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का बचाव किया। रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट पर कांग्रेस के बहुत सारे चहेते पत्रकारों ने, जो कि असल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं, उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे, बिना इस वीडियो की जांच किए जी न्यूज को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया, जी न्यूज की आलोचना करनी शुरू कर दी, और उन्होंने बिना जांच किए यह मान लिया कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो डॉक्टर्ड है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं और हमारे देश के बड़े बड़े संपादकों ने ये मान लिया, क्योंकि कांग्रेसी नेता कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। ऐसे सभी पत्रकारों का भी आज हम पर्दाफाश करेंगे। अब आप सोचिए, ऐसे पत्रकार जब बिना सोचे समझे ट्वीट कर सकते हैं, तो जब ये स्टोरीज करते होंगे, जब पत्रकारिता करते होंगे, जब आपके लिए खबरें लाते होंगे, तब कितनी लापरवाही से काम करते होंगे। इसके बाद
कल शाम को जयपुर में नवजोत सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी न्यूज पर कई गंभीर आरोप लगाए और बहुत बड़े बड़े दावे किए। वो भी आप सुनिए कि सिद्धू ने कैसे एक तरीके से धमकी भरे लहजे में जी न्यूज के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। जी टीवी पे मेरी एक रैली को चलाया गया। वो रैली में यह दिखाया गया कि जब मैं प्रधानमंत्री साहब की मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ा रहा हूं, तब नीचे से कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। नेशनल न्यूज पे चल रहा है, नेशनल न्यूज पे, एंड विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में जिन लोगों ने ओरिजिनल रिकॉर्ड की थी उन्होंने उसका व्हाट्सएप बना बना के उसको सर्कुलेट करना शुरू किया एंड इमीडिएटली जी विथड्रू। अब आप देखिए कि इतना भय है कि वही एडिटर जिसने कृष्णा थे एक जेएनयू वाले जो कन्हैया जिसने कन्हैया के लिए ये किया वही एडिटर कर रहा है। मतलब आप ये देखिए कि किसी के सवालों की लेजिटिमेसी से ये कितना घबराते हैं कि उसके सवालों की लेजिटिमेसी को ये आरोप विरोप में धूमिल करना चाहते हैं या फिर जेल में फिकवाते हैं या फिर गोलियां चलवाते हैं। मतलब लोकतंत्र का इन्होंने गुंडा तंत्र और डंडा तंत्र बना दिया है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा करके सिद्धू जी फंस गए क्योंकि उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा है और जरूर लगा है और ये साबित हो जाएगा। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू को जेएनयू वाले कृष्णा और कन्हैया का फर्क भी पता नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कृष्णा कहकर बुला रहे थे। शायद उन्हें कन्हैया कुमार का नाम याद नहीं रहा और उन्हें उनकी बगल में बैठे कांग्रेस के एक और नेता ने सही नाम याद दिलाया और फिर उन्होंने अपने आप को सही किया और फिर कृष्णा को कन्हैया कहा। लेकिन सिद्धू यही नहीं रुके बल्कि जी न्यूज पर मानहानि का दावा करने की धमकी भी दे दी और यह भी कह दिया कि नानी याद दिला देंगे। मैं डेफोमेशन करूंगा साहब क्योंकि मैंने जिंदगी में नाम कमाया है। ये दो तीन चैनल हैं। आज रणदीप सिंह सुरजीवाला ने एक मिनट रणदीप सिंह सुरजीवाला साहब ने ट्विटर पे वो डाला है कि ये तीन चैनल हैं, डाला है ना, उनके नाम लिए ना, तो मैंने तो नहीं लिए, मुझे तो उसी से पता लगा ना साहब। नहीं नहीं, मैं डेफोमेशन को वहीं डालूंगा जिन्होंने ये किया है। जी टीवी को माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगी, क्योंकि मेरे पास ये पूरा प्रूफ है और ये पूरी एक एक चीज लिखत है, अगर नहीं तो मैं पार्टी वालों से भी बात करूंगा और खुद भी ऐसी डेफामेशन ठोकूंगा, नानी याद आ जाएगी। अब हम नवजोत सिद्धू से ये कहना चाहते हैं कि वो इस मामले में माफी कब मांगेंगे। हमारा सवाल उनसे ये है, उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को और क्या सिद्धू को माफी नहीं मांगनी चाहिए। अभी तक हमने आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाया है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। अब हम आपको बाकी के वीडियोस भी दिखाएंगे। हम आपको कुल तीन वीडियोस इस समय दिखाने वाले हैं। ये तीनों वीडियोस तीन अलग अलग कैमरों से रिकॉर्ड किए गए हैं और इन तीनों ही वीडियोस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपको साफ साफ सुनाई देगा। ये तीनों वीडियोस अलग अलग कैमरा एंगल से रिकॉर्ड हुए हैं। आप ये तीनों वीडियोस एक साथ सुनिए, एक साथ देखिए और उसके बाद हम कांग्रेस और नवजोत सिद्धू के झूठ का सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाएंगे। आज का जमाना फेक न्यूज का जमाना है, आज का जमाना झूठ का जमाना है और आज नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों ने और बहुत सारे लोगों ने झूठ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल के रखी हैं। इसलिए हम आपकी दुविधा को भी समझते हैं और
हम ये भी जानते हैं कि आपको भी ये लगेगा कि आप भी आंख बंद करके हमारी बात क्यों मानने लगे, इसीलिए आज आपके सामने इतने सारे सबूत रख रहे हैं। अब आपके सामने एक ऐसा सबूत रखते हैं जिसमें हम शायद आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारी बात इसलिए मान लीजिए क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सबूत अब आपके सामने रखते हैं और इसे देखने के बाद नवजोत सिद्धू, कांग्रेस पार्टी और उनके भक्त पत्रकार बेचैन हो जाएंगे और उन्हें अब ये समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद क्या किया जाए। अब हम आपको नवजोत सिद्धू की रैली का फेसबुक लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं। शनिवार को जब नवजोत सिद्धू ये रैली कर रहे थे, यहां पर भाषण दे रहे थे, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इस रैली को फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया था। यहां हम आपको बता दें कि फेसबुक लाइव एडिट नहीं हो सकता, डॉक्टर्ड नहीं हो सकता, इसे डिलीट तो किया जा सकता है लेकिन फेसबुक लाइव के किसी फीड के साथ कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसलिए हमने फेसबुक लाइव का एक फीड आपके लिए निकाली है। हमें फेसबुक पर 4 फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट मिले हैं, यानी 4 लोग फेसबुक पर इस रैली को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। इनमें पहला नाम है अटल कुमार का। उस रैली को अटल कुमार ने भी कवर किया था और फेसबुक के जरिए अटल कुमार इस रैली को लाइव कर रहे थे और इसमें भी नवजोत सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा साफ साफ सुनाई दे रहा है। इस वीडियो में यह साफ साफ लिखा है कि अटल कुमार वॉज लाइव। इसके साथ समय और तारीख भी लिखी हुई है। इस वीडियो में लिखा हुआ है कि अटल कुमार ने यह फेसबुक लाइव 1 दिसंबर को दोपहर 1:57 पर किया था। अब सुनिए इस फेसबुक लाइव में कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। पत्रकार अटल कुमार इस पूरी रैली के चश्मदीद थे। अब हम आपको अटल कुमार का एक बयान सुनाते हैं और वो साफ साफ बता रहे हैं कि इस रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। 1 दिसंबर को सिद्धू की सभा होनी थी किशनगढ़ बांस के खैरतल कस्बे में और मुझे जी न्यूज ने अपने लाइव के लिए मुझे आदेश किया था और मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव किया। और मैं बताना चाहूँगा कि सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसके लिए ये सिद्धू जी आए थे सभा में, जिन्होंने एक सभा में एक व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है उस सभा में और हमने उसको चैनल में लाइव दिखाया लगातार। हाँ, तो उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये जो वीडियो है जो हमने लाइव किया है। फेसबुक पेज है? हाँ, ये मेरा फेसबुक पेज है लाइव। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमने लाइव दिखाया है। इस बार खैर तल में बीजेपी की खैर नहीं, जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य देव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उस तरह खैर तल में इस बार करण जी की ताकत को, कांग्रेस की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। दिल्ली पी गई जाट का दूध और दूध पी के सर्दियों की मीठी मीठी धूप से के ऊपर छत के ऊपर बैठ के नहीं उन करके दीवार के ऊपर बैठ के अभी अभी बोला गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। में एक बार और दिखाना चाहूंगा आप दर्शकों कौन कितने मिनट और कितने सेकंड पहले जरा उसको दोबारा लाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो फिर मिला क्या बाबा जी का टुल्लू, ये नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। 9:00 कुछ है सेकंड का टाइम है इसमें, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए 9 मिनट बाद ही इसमें सिद्धू की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे गए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती और ये अनकट है जो कि 20 से 21 मिनट का ये वीडियो है। आप एक बार फिर उस पॉइंट पे आएंगे? हाँ मैं बिल्कुल। 15 लाख रुपए आ गए आपकी जेब में, आ गए, आ गए, गंगा साफ हो गई, 2 करोड़ नौकरी मिल गई, पलक झपकते बुलेट ट्रेन निकल गई, किसान का कर्जा माफ हो गया, तो फिर मिला क्या बाबा जी का टुल्लू, तो वो ताली फोटो जरा दिखा के अभी अजीब कैसी है।
करीब 9:09 के दरमियान था ये। ये पूरा लाइव किया आपने? बिल्कुल पूरा लाइव दिखाया था अपन ने, जी राजस्थान, जी 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 राजस्थान के लिए दिखाया था। हम आपको ये बता चुके हैं कि फेसबुक लाइव के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हमने इस विषय पर साइबर एक्सपर्ट्स की राय भी ली है, उनकी बातें भी आज आपको सुननी चाहिए। ज्यादातर तो चांसेस बहुत कम है फेसबुक लाइव में, जो भी डॉक्टर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक कर सकते हैं तो भाषण सब कर सकते हैं, बट लूपिंग में चांसेस हैं, बट मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि लाइव के अंदर कुछ एडिट करना बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा क्या, बट ये मामले में जैसे पब्लिक मीटिंग के लिए कोई इतना सा कर सकता है तो ये डाउटफुल है। हाँ, मोबाइल से किया जा रहा है तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते, बट कुछ और डिवाइस से फेसबुक लाइव यूज़ किया गया जैसे कुछ बहुत सारे एडवांस कैमरे से, तब उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट मोबाइल के थ्रू यूज़ करने से चांसेस बहुत कम है वीडियो को एडिट करने का, और कुछ बैकग्राउंड लूपिंग में कुछ म्यूज़िक डालना, कुछ भाषण ऑलरेडी एडिट करना, वो सब मुश्किल है। मामला कोई भी हो, पूरी दुनिया में फैसला सबूतों की प्रमाणिकता और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर ही दिया जाता है। अलवर के कई स्थानीय संवाददाता भी नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस की इस रैली को कवर कर रहे थे। हमने वहीं के एक संवाददाता समर गुप्ता से बात की। समर गुप्ता सिद्धू की उस रैली में स्वयं मौजूद थे जहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, यानी वो इस मामले के चश्मदीद भी हैं। उन्होंने इस बात को माना है, पुष्टि की है कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, और उनके पास उनके मोबाइल फोन पर उन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी मौजूद है जो इस बात का सबूत है। आपका पूरा नाम? समर गुप्ता। समर जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक कंट्रीब्यूटरी रिपोर्टर हूं, APN न्यूज के लिए देखता हूं अलवर से। सिद्धू की कुछ दिन पहले रैली हुई थी जी, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं वहाँ था, मैं वहाँ पे कैप्चर कर रहा था पूरे जो वहाँ पे विजुअल थे, जो पूरी सभा थी उसके पूरे विजुअल रिकॉर्डेड किए मैंने। उस दौरान ये बात सामने आई है कि वहाँ पर नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं सिद्धू की सभा में, तो क्या आप वहाँ पर मौजूद थे और आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस तरह के नारे लगे थे? मैं वहाँ मौजूद था, और इस बात की अभी तक जिस तरह के वीडियो आए हैं और जिस तरह हमारी पूरी रिकॉर्डिंग हुई, उस वीडियो को देखने के बाद ये साबित हो रहा है कि एक बार वहाँ पे ज़रूर पाकिस्तान का नारा लगा। तो क्या ये वीडियो आपने खुद भी रिकॉर्ड किया था या? हम मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड करा था, मेरे जो सहयोगी और पत्रकार थे उन्होंने भी करा, और तकरीबन मैंने 4 अलग अलग मोबाइलों की रिकॉर्डिंग इसलिए चेक करी कि हो सकता है कहीं कुछ ऐसा मामला हो कि एडिट का आरोप लग जाए, क्योंकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पारदर्शिता रखें। तो मैंने 3-4 अलग अलग वीडियोज़ लिए, उनको चेक किया, तो अलग अलग साइड एंगल से भी देखा, तो वो एक बार 100% उसमें नारा किसी ने बोला है। हाँ, क्या आपने खुद से रिकॉर्डिंग किया? आपकी रिकॉर्डिंग में भी? हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग में भी 100% रहा है ये। क्या अभी आपके पास वो रिकॉर्डिंग है? नहीं, वो बहुत MB की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसके छोटे कटआउट मेरे मोबाइल में आज भी हैं। हाँ, तो आपने खुद रिकॉर्ड किया? हाँ, मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया। तो आप इस बात को बताते हैं, मानते हैं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है वो वीडियो ओरिजिनल है और वो आपके मोबाइल में रिकॉर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, 100% ओरिजिनल है वो, क्योंकि कोई एक मोबाइल में आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कई एंगलों से और अलग अलग मोबाइलों के हों तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अलग करें। ये बात अलग रही कि जब हम मौके पे थे तो किसी ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कोई एक नारा लगा, क्योंकि नारा लगाने वाले ने मात्र एक बार लगाया और वो साइलेंट जोन में चला गया। उसके बाद जब अगले दिन हम लोगों ने उस पर एनालिसिस कराया, या देखते ही हैं कि हमारे पास वीडियो चले, देखें इसमें कुछ क्या खास है, तो लोगों के टच में आया, तो लोगों ने उसको वायरल किया फिर। तो आप ये मानते हैं कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसमें लगा? 100% मानता हूँ, और किसी एक व्यक्ति ने कहा, किस मंशा से कहा, ये वो व्यक्ति बता सकता है, ये राजनीतिक समीकरण क्या रहा वो बता सकते हैं। इस बारे में मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कोई नारा लगा तो हमने उसको स्पष्ट कर दिया कि लगा और बात रख दी। ये वाली रिकॉर्डिंग आप बता रहे हैं, ये आपने भी दी है? दोबारा चलाएंगे? साफ साफ बोल रहा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे देखिए आप गौर से सुनिए, पहले भर्तरी बाबा जय लगता है।
अब इसके बाद ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सीक्वेंस रहा। अब ये इसका साइड आप एंगल देखें तो कईयों में फ्रंट से चल रहा है, कईयों में साइड से चल रहा है, उसके बावजूद भी कहा जाए कि ये एडिट है तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी जांच पड़ताल के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जी न्यूज पर झूठे आरोप लगा दिए और कांग्रेस पार्टी के चहेते पत्रकारों ने इन आरोपों का बिना किसी की कोई पुष्टि किए, बिना कोई जांच किए आंख बंद करके समर्थन कर दिया। ये मीडिया का वो वर्ग है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम करता है। इनमें से कई लोग तो अभी पाकिस्तान से ही हाल ही में लौट कर आए हैं। ये सारे लोग पाकिस्तान गए थे नवजोत सिद्धू के साथ, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में सत्ता का परिवर्तन और सिद्धू के प्रधानमंत्री बनने का इशारा किया था, तब ये सारे पत्रकार सामने बैठकर तालियां बजा रहे थे। ये सारे लोग पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया का ये वर्ग कांग्रेस से मिल चुका है। मीडिया के इस वर्ग ने ना तो किसी तथ्य की जांच की और ना ही वीडियो को ठीक से सुना और देखा। इन पत्रकारों ने सीधे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह एजेंडा चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आचरण इन पत्रकारों के डीएनए में बस चुका है। इन एक वर्ग ऐसा है मीडिया का जिसे यह लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो कह दिया वही अटल सत्य है। लेकिन जी न्यूज चुप नहीं रहेगा, चुप नहीं बैठेगा। हमारे साथ कोई हो या ना हो, हम ये जरूर जानते हैं कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और हमें प्यार करते हैं। जी न्यूज संविधान के सिस्टम में रहकर, संवैधानिक प्रणाली में रहकर, संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस झूठ और इन गंभीर आरोपों का पुरजोर विरोध करेगा। हमें इस बात से डर नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भविष्य में अगर सत्ता में आ गई तो क्या होगा। हम इस बात से डरने वाले नहीं हैं। हमें इस बात का डर नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अगर राजस्थान में जीत गई तो क्या होगा, मध्य प्रदेश में जीत गई तो क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है, ये बता दिया है कि वो हमारे प्रति निष्पक्ष नहीं है। हमने तय किया है कि इसके लिए हम कुछ बड़े कदम उठाएंगे। क्या कदम उठा रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। हमारा पहला कदम ये है कि हमने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की शिकायत कर दी है, क्योंकि चुनावों के समय इस पार्टी को ऐसा लगा कि उससे और उसके नेताओं से एक बड़ी गलती हो गई। और गलती वो ये थी कि सिद्धू ने जो कुछ पाकिस्तान में कहा और सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, उससे राजस्थान में कांग्रेस को चुनावों में नुकसान हो सकता है। तो इस खबर को रोकने के लिए कांग्रेस ने चैनल पर दबाव बनाया, और वो दबाव ये कहकर बनाया कि आपकी जो वीडियो है, खबर है, ये झूठी है, ये डॉक्टर्ड है। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर जी न्यूज़ के खिलाफ ट्वीट्स किए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज़ पर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और एक शब्द का प्रयोग किया गया जो हमने पहले भी आपको बताया था, नानी याद दिला देंगे। हम इस पूरे मामले की शिकायत एडिटर्स गिल्ड में भी करने वाले हैं, क्योंकि ये वो संस्थान है जहां देश के बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि ये बड़े बड़े पत्रकार क्या सिर्फ कुछ ही लोगों के खिलाफ बात करने के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ एक्शन लेने का इन पत्रकारों में दमखम है या नहीं, इस बात की भी जांच हो जाएगी। हमें लगता है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने कामों से, अपने करतूतों को छुपाने के लिए मीडिया हाउस पर दबाव बनाती है, तो एडिटर्स गिल्ड को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा और किसी भी पत्रकार के लिए या मीडिया हाउस के लिए बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ भी कहना या बोलना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मामले की शिकायत हम NBA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में भी कर चुके हैं और उनसे भी हमने कहा है कि वो इस मामले का संज्ञान लें। और आपकी अदालत में हमें इस समय खड़े हुए हैं, आपकी अदालत में सारे सबूत आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अदालत है यानी जनता की जो अदालत होती है वो देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में न्याय की अदालतें भी हैं, देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है और हम इस मामले को लेकर अब अदालत में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये हक सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही है कि वो चैनल पर मानहानि का मुकदमा करे, चैनल भी ऐसा कर सकता है। और आप सब ने अमेरिका में ये होते हुए देख लिया, जहां अमेरिका के एक बड़े चैनल ने वहां के राष्ट्रपति से टक्कर ले ली थी। हमारी ये मांग है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2 दिन के अंदर इस पूरी घटना पर खेद जताए और जी न्यूज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे,
उसी प्रकार से जैसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जी न्यूज पर आरोप लगाए हैं। दो दिन में अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो फिर हम भी वही करेंगे जो कांग्रेस पार्टी अब तक कुछ और न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस के साथ करती आई है। अभी जो न्यूज चैनल कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, उनकी लाइन नहीं लेते हैं, उनका समर्थन नहीं करते हैं, तो ये पार्टी उनका बहिष्कार कर देती है और अपने प्रवक्ताओं को उन चैनल्स में भेजना बंद कर देती है, उन चैनल से बात करना बंद कर देती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक तरफ ये सारी पार्टियां अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन जब कोई चैनल आज़ादी इस आज़ादी का प्रयोग करता है तो ये सारे जो नेता हैं और ये जो पार्टियां हैं ये उस चैनल का मुंह बंद करने की कोशिश करती हैं और ये तय करते हैं कि अगर आपने हमारी तारीफ नहीं की तो हम आपके चैनल का बहिष्कार कर देंगे। हमने भी वही सोचा है और हमने भी सोचा है कि हम भी उसी अंदाज में उसी भाषा में जवाब देंगे। तो वो जवाब ये है कि अगर कांग्रेस ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम भी वही करेंगे जो कांग्रेस करती है, यानी कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर हमारे ऊपर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि जी मीडिया उनके साथ निष्पक्षता नहीं बरत रहा है तो फिर हम उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, किसी रैली के बारे में, उनके बारे में कोई खबर रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अविश्वास के साथ ये रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान जिंदाबाद के शोर से अचानक इतनी तकलीफ होने लगी। ये तो वो लोग हैं जो वैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान की तारीफ करते हैं, ये वो लोग हैं जो इमरान खान की टीम में खेलते हैं। असल में नवजोत सिंह सिद्धू के जो कप्तान हैं वो इमरान खान हैं, उनके कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं हैं, उनके कैप्टन राहुल गांधी नहीं हैं, उनके कैप्टन हैं इमरान खान। लेकिन ये तकलीफ उस वक्त दिखाई नहीं दी जब सिद्धू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाया था, वो भी तो एक तरह से यही बात कहने वाली बात हुई। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त तकलीफ नहीं हुई जब उसी की पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल सिंह चावला के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही राहुल गांधी को अपना कैप्टन कहते हों, लेकिन असलियत ये है कि सिद्धू के कैप्टन राहुल गांधी नहीं बल्कि इमरान खान है। जब कांग्रेस पार्टी को सिद्धू के इतने सारे बयानों से और ये सब करने पर तकलीफ नहीं हुई तो सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर कांग्रेस पार्टी इतनी आहत क्यों है? वैसे अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इतिहास का एक डीएनए टेस्ट करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे समय समय पर इस पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान में जाकर न सिर्फ पाकिस्तान की जय जयकार की है बल्कि वहां जाकर उन्होंने अपने ही देश को पानी पी पी कर कोसा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए पाकिस्तान की भक्ति और चरण वंदना करते हुए कई बार आप सब देख चुके हैं उनको। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। उदाहरण के तौर पर आप मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए या फिर सलमान खुर्शीद की बात कर लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस टीम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ी हैं, लेटेस्ट खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान की टीम के कप्तान यानी इमरान खान आजकल इस पूरे मामले से बहुत खुश हैं। इमरान खान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि भारत में चुनावी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यही तो वो चाहते थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर ही भारत में ऐसा कुछ होने लगेगा। कल ही उन्होंने पाकिस्तान के 6 बड़े एंकर्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए यह बात स्पष्ट की कि करतारपुर कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत अब बैकफुट पर रहना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि इसके लिए भारत की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नवजोत सिद्धू को भारत में अपने कैप्टन यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का मौन समर्थन भी हासिल हो सकता है। पाकिस्तान से लौटने के बाद सिद्धू ने स्वयं ये बात कही कि राहुल गांधी ही उनके कैप्टन हैं और वो जो कहते हैं सिद्धू उसे आंख बंद करके फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है 27 नवंबर से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में 50 घंटे बिताने के दौरान सिद्धू को पाकिस्तान की जय जयकार करने में कोई तकलीफ नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब उन्हीं की चुनावी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो पहले वो उसे फर्जी वीडियो बताते हैं और बाद में इस पर सफाई देते हैं। अगर सिद्धू इतने ही राष्ट्रवादी होते तो जिस वक्त उनकी चुनावी सभा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे
उसी वक्त उन्हें रोक देना चाहिए था, कड़ा कदम उठाना चाहिए था और उन नारों का विरोध करना चाहिए था, उन लोगों को सामने लाना चाहिए था जो ये कर रहे थे। लेकिन उस समय उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज सिद्धू को हम ये चुनौती देकर पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद वाली जिस नारेबाजी को लेकर वो जी न्यूज़ पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्या यही प्रश्न वो पाकिस्तानी मीडिया से पूछ सकते हैं? क्योंकि उनकी रैली में हुई इसी घटना को पाकिस्तान का मीडिया ब्रेकिंग न्यूज कहकर चला रहा है। हमें शक है कि सिद्धू ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि वो उन पाकिस्तानी चैनल्स का बहिष्कार कर ही नहीं सकते। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कुछ दिनों पहले तक इन्हीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के डिबेट शोज में बैठकर सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर का श्रेय पाकिस्तान को दे रहे थे। पाकिस्तान के मीडिया को सिद्धू की पाकिस्तान जिंदाबाद वाली रैली बेहद पसंद आई और वहां के मीडिया ने भी इसे काफी रिपोर्ट किया है। जी टीवी को माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगी, क्योंकि मेरे पास ये पूरा प्रूफ है और ये पूरी एक एक चीज लिखत है, अगर नहीं तो मैं पार्टी वालों से भी बात करूंगा और खुद भी ऐसी डेफामेशन ठोकूंगा, नानी याद आ जाएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये बात जी न्यूज ने हर बार साबित करके दिखाई है और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। फरवरी 2016 में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोही नारे लगे थे। उस वक्त भी झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले लोगों ने जी न्यूज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त भी जी न्यूज की वीडियो फुटेज को डॉक्टर्ड बताया गया था, लेकिन बाद में जब CFSL की जाँच हुई तो हमारा वीडियो 100% सही साबित हुआ था। उस वक्त भी JNU के एक देशद्रोही गैंग के पक्ष में बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारी पार्टियों के नेता आकर खड़े हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस मामले में एक्स्ट्रा दिलचस्पी दिखाई थी, जबकि अरविंद केजरीवाल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। JNU के मामले में अरविंद केजरीवाल को इतनी बेचैनी थी कि वो JNU के तमाम वीडियोस की जांच एक प्राइवेट लैब से कराने में जुट गए। 13 फरवरी 2016 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने JNU में लगे देशद्रोही नारों के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत JNU से जुड़े 7 वीडियोस को YouTube और इंटरनेट से उठाकर इनकी सत्यता की जांच के लिए हैदराबाद की ट्रूथ लैब्स में भेजा गया था। जब ट्रूथ लैब्स ने इस वीडियो में इस्तेमाल हुई JNU की फुटेज की जाँच की तो वो 100% सही साबित हुई थी। कुल मिलाकर ये बात तब भी साबित हुई थी कि झूठ की बंदूक से सच का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, सच को पराजित नहीं किया जा सकता। सच की रोशनी, सत्य का जो प्रकाश है, झूठ के अंधेरों को चुटकियों में ख़त्म कर देता है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, विजय ही सबसे बड़ा सत्य होता है। चुनाव में विजय सबसे बड़ा सत्य होता है उनके लिए, फिर चाहे ये विजय किसी भी कीमत पर हासिल क्यों ना हो। लेकिन एक ईमानदार पत्रकार के लिए सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर उसने सत्य दिखा दिया, वही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। किसी भी कीमत पर सच दिखाना ही एक ईमानदार पत्रकार और मीडिया हाउस की सबसे बड़ी विजय होती है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि चुनाव में हमारा भविष्य दांव पर लगा हो। हम एक न्यूज़ चैनल हैं, एक मीडिया हाउस हैं, और हमारी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के प्रति, आपके प्रति है। हमने देश की जनता को, आप सबको सच दिखाया। देश ने हमें अपने सिर आंखों पर बैठाया। हमें आज भी आप सब पर पूरा भरोसा है और देश की जनता भी हम पर पूरा यकीन करती है। ईश्वर ने हर इंसान को आंख और कान दिए हैं। आंखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं। अगर मन में कोई पूर्वाग्रह ना हो तो आंखें कभी झूठ नहीं देखती और कान कभी झूठ नहीं सुनते। आज हमने आपको जो भी प्रमाण दिखाए हैं, आप उन्हें बार बार देख सकते हैं। आपको पूरा सच बहुत आसानी से अपने आप समझ में आ जाएगा, और यही आज हमारी मंशा थी, यही हमारी आज कोशिश थी।